गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस वीडियो फॉर क्लास फर्स्ट. क्लास फर्स्ट इट्स योर इंग्लिश सीबी क्लास. ओके, एंड इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द सेकेंड पोयम ऑफ योर कोर्स बुक एंड द नेम ऑफ द पोयम इज माई स्कूल बस. ओके, आज मैं इस वीडियो में आपको आपकी सीबी की दूसरी पोयम पढ़ाऊंगी जिसका नेम है माई स्कूल बस. क्लास फर्स्ट मैं आपको ऑलरेडी 3 वीडियो सेंड कर चुकी हूँ. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, नाउ स्टार्ट द चैप्टर. डिस्कस फ्रॉम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस फ्रॉम हार्ड वर्ड्स. ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो भी आपकी पोएम के हार्ड वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनसे स्टार्ट करते हैं. आपको क्या करना है, वेन एवर यू विल वॉच दिस वीडियो यू हैव टू बी विद योर बुक. जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो आप अपनी बुक के साथ जरूर रहोगे. विदाउट बुक यू विल नॉट अंडरस्टैंड. ओके, आप बिना बुक के कुछ भी समझ नहीं पाओगे. सो प्लीज बी विद योर बुक एंड लिसन केयरफुली. फर्स्ट मीनिंग है ब्राइट. ब्राइट मीन्स होता है शाइनिंग, मीन्स चमकना. बी आर आई जी एच टी, ब्राइट मीन्स चमकना. आर आई नेक्स्ट है आर आई डी ई, राइड. राइड मीन्स टू ट्रेवल टू अ प्लेस इन अ मिशन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना, यात्रा करना. फॉलो, एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू. फॉलो मीन्स क्या होता है, टू डू समथिंग यू हैव टू बी टोल्ड टू डू. मीन्स आपको कुछ भी करने के लिए जो कहा जाता है, कोई भी आपके पेरेंट्स या गार्जियंस या टीचर्स आपको कुछ भी करने कहते हैं, उसे आपको कर रही है फॉलो जरूर करना है. Rules that things that must or must not be done. मतलब ऐसे rules, ऐसे नियम बनाना कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है. आप स्कूल आते हो, स्कूल में भी देखते हो कि आपको कुछ रूल्स बताए जाते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, तेज दौड़ना है और लाइन से जाना है. तो ये सारे रूल्स बनाए जाते हैं. रूल्स मीन्स होता है क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है. ठीक है, नियम. And last one is obey, O-B-E-Y, obey. Obey means क्या होता है, आज्ञा मानना. मतलब आपके बड़े आपको जो भी कहते हैं करने को, अच्छी obey means एक तरह की अच्छी आदत है कि आप अपने बड़ों की या अपने टीचर्स की आज्ञा मानते हैं या बात मानते हैं. ठीक है, so word meaning is completed. Now we are moving the explanation part. आपके पास अगर बुक है तो आप बुक में भी देख सकते हो कि इस पिक्चर में स्कूल बस बनी हुई है, उसमें ड्राइवर है और कुछ बच्चे हैं. ठीक है, अब मैं बता देती हूँ एक समरी के तौर पे कि पोयम में बताया क्या गया. एक बच्चा है, वो अपनी स्कूल बस के बारे में बात कर रहा है. स्कूल बस, जैसे आप भी हो, आप में से कुछ बच्चे स्कूल बस से आते हैं, कुछ अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं और कुछ वैन से आते हैं. उसी तरह ये बच्चा है, वो स्कूल बस से आता है और वो अपने स्कूल की क्वालिटी, स्कूल बस की क्वालिटी बता रहा है और उसके जो भी रूल्स हैं और वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या करता है उस स्कूल बस पे, वो बता रहा है. सो लेट्स सी इन द पोयम. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड कंप्लीट पोयम. मैं सबसे पहले पूरी पोयम पढ़ूंगी एंड आफ्टर रीड आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन. ठीक है, पहले मैं पूरी पोयम पढ़ूंगी, उसके बाद स्टेंजा बाय स्टेंजा एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, माय स्कूल बस मीन्स मेरे स्कूल की बस. आई लव माय स्कूल बस. बच्चा क्या बता रहा है कि मुझे अपने स्कूल की बस बहुत प्यारी है. इट इज ब्राइट ग्रीन एंड ब्लू. ये ब्राइट ग्रीन और ब्लू कलर की है. वी हैव सो मच फन इन इट. और हम इसमें बहुत सारा फन करते हैं. माय फ्रेंड्स लव इट टू. और मेरे फ्रेंड्स भी इसको बहुत पसंद करते हैं. नाउ मूविंग द नेक्स्ट स्टेंजा. वी राइड अवर स्कूल बस एवरी डे. हम अपनी स्कूल से हमेशा जाते हैं. डेली मतलब एवरी डे मीन्स रोज जाते हैं. एंड वी फॉलो ऑल द रूल्स. मतलब वी मीन्स हम फॉलो करते हैं द रूल्स, जो भी हमें रूल्स बताए गए हैं स्कूल बस के कि क्या करना है स्कूल बस में और क्या नहीं करना है, हम उसको फॉलो करते हैं. वी ओबे द ड्राइवर. हम अपने ड्राइवर की बात मानते हैं. हु ड्राइव्स अस ऑल टू स्कूल. जो हमें हमारे स्कूल, हम सभी को हमारे स्कूल छोड़ते हैं, हम उनकी बात हमेशा मानते हैं. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा.
वी नेवर जंप अराउंड, और हम कभी भी इधर उधर जंप नहीं करते हैं, और मेक टू मच नॉइज, और बहुत शोर भी हम नहीं मचाते हैं। वी सिट टाइट इन आवर सीट, और हम अपनी जो भी हमारी बस स्कूल बस की सीट है उसमें टाइटली बैठे रहते हैं। ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज, सभी लड़के और लड़कियां उस बस पे उस बस की सीट पे टाइटली बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपका, अब ये एक्सरसाइज पार्ट स्टार्ट हुआ है। आपको मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी एक्सरसाइज और PA1 का सिलेबस दे दिया है। आई होप आपने वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज मैं उस एक्सरसाइज को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सो आंसर जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर ए में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके आपको आंसर लिखने हैं जो आपकी पोएम से रिलेटेड है। ठीक है, Why does the child like his school bus? Means इसमें क्या पूछा गया है कि वो जो बच्चा है वो अपनी स्कूल बस को क्यों पसंद करता है, तो उसका आंसर होगा आपने पढ़ा है फर्स्ट लाइन में, the child likes his school bus because it is green and blue. ठीक है, तो क्योंकि जो उसकी बस है वो ब्राइट ग्रीन और ब्लू कलर की है, इसीलिए वो स्कूल बस को पसंद करता है। नेक्स्ट है, हु डू द चाइल्ड एंड हिज फ्रेंड्स ओवे, मतलब जो बच्चा और उसके फ्रेंड्स है वो किसकी किसकी बात मानते हैं, तो वो है द चाइल्ड एंड हिज फ्रेंड्स ओवे द ड्राइवर। जो चाइल्ड है और जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो बच्चा और उसके फ्रेंड्स हैं, वो ड्राइवर की बात मानते हैं। तो नेक्स्ट है, व्हाट डज द चाइल्ड नॉट डू व्हेन ही इज इन द स्कूल बस, मतलब जो बच्चा है वो उस स्कूल बस के अंदर क्या नहीं करता है, क्या नहीं वो बच्चे करते हैं, तो दे नेवर जंप अराउंड और मेक टू मच नॉइज, मतलब वो बच्चा और उसके फ्रेंड्स कभी भी शोर नहीं मचाते हैं और इधर उधर घूमते नहीं है। सो एक्सरसाइज नंबर ए इज कंप्लीटेड। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर बी। एक्सरसाइज नंबर बी में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अब क्या होता है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में भी आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, बट उसमें आपको पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं दिए जाते, आपको कुछ लाइंस दे दी जाएंगी आपके चैप्टर की या पोएम की, उसी से रिलेटेड पहले आपको रेफरेंस लिखना है, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना है, फिर उससे जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसके आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि लाइन क्या है। इट इज ब्राइट ग्रीन एंड ब्लू, वी हैव सम सो मच फन इन इट, माय फ्रेंड्स लव इट टू। मींस क्या है कि इसमें जो है बच्चे ने इस लाइन जो तीन लाइन है आपके स्टैंडर्ड नंबर वन की लाइन है, तो इसमें जो है बच्चे ने अपने जो बस है उसकी उसके कलर को बताया और बताया कि वो कितना फन करते हैं उस बस में। तो उसके बाद इसकी जो डिफरेंस है वो लिखेंगे, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय स्कूल बस, मतलब ये जो स्टैंजा है माय स्कूल बस से लिया गया है। एंड नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में हमेशा हम लिखते हैं कि जो भी लाइन में एक्सप्रेस किया जा रहा है या बताया जा रहा है। तो लाइन में क्या बता रहे हैं कि इन दिस लाइन अ स्टूडेंट टेल अस अबाउट द कलर ऑफ हिज स्कूल बस एंड अबाउट हिज फन, मतलब जो स्टूडेंट है वो अपने स्कूल का कलर स्कूल बस का कलर बता रहा है और जो भी उसमें फन होता है वो बच्चे मिलके वो स्कूल बस के अंदर करते हैं वो बताया जा रहा है। एंड लास्ट है अब रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपने ले लिया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो उसके आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्राइट ग्रीन एंड ब्लू, मींस इसमें बोला जा रहा है कि क्या चीज ब्राइट और ब्लू है, तो ब्राइट ग्रीन और ब्लू है। स्कूल बस इज ब्राइट ग्रीन एंड ब्लू, जो स्कूल बस है वो ब्राइट ग्रीन और ब्लू है। हु इज हैविंग फन इन इट, मतलब कौन उसमें फन कर रहा है, उस बस पे कौन फन कर रहा है, द चाइल्ड एंड हिज फ्रेंड आर हैविंग फन इन इट, और जो बच्चे हैं वो बस के अंदर फन कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। आप इसमें एक रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और है, वो आपको इसी तरह करना है, रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट में आप जो भी उसमें होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, वी राइड अवर स्कूल बस एवरी डे एंड वी फॉलो ऑल द रूल्स। अब
का रेफरेंस आप सेम लिखेंगे कि दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय स्कूल बस, एंड कॉन्टेक्स्ट में भी आप यही लिखेंगे कि दिस इन दिस लाइन स्टूडेंट टेल अबाउट द रोज। ठीक है, अब इसकी क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द चिल्ड्रन चाइल्ड फॉलो, मतलब बच्चे क्या फॉलो करते हैं। द चाइल्ड फॉलो ऑल द रूल्स, जो भी स्कूल बस के रूल्स हैं बच्चे उसको फॉलो करते हैं। लास्ट है हु टेक द चाइल्ड टू स्कूल, आपको पता है कि बच्चों को स्कूल से कौन लेके जाता है, बस कौन चलाता है, ड्राइवर टेक्स द चाइल्ड टू स्कूल, मतलब जो ड्राइवर है वो स्कूल लेके जाते हैं। सो द एक्सरसाइज नंबर बी ऑल्सो कम्प्लीटेड, we are moving the next exercise number c mein hai think discuss and answer the following question। exercise number c mein kya karna hota hai ki jo bhi aapko wo di jate hain questions diye jate hain usko aapko khud se karna hota hai। theek hai, matlab ye pucha jata hai ki agar aap hote ya aapke sath aisa hota to aap kya karte, to iska answer aapko khud se likhna hai। first question hai aapka do you go to school by bus, क्या आप स्कूल बस से जाते हो। What do you enjoy about the ride, अगर आप जाते हो तो जो भी आप जाते हो तो उसमें क्या enjoy करते हो। ठीक है, next है why do you think it is important to obey the driver and follow the rules, आपके हिसाब से जो rules follow होते हैं या फिर driver की बात मानना कितना जरूरी है, आप क्या सोचते हो इस बारे में, तो आपको इसका आंसर खुद से लिखना है। ओके, नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड, अब आपकी जो आई होप पहले जो वीडियो बनाया है वो आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज टू रिलेटेड अदर वीडियोस एंड पीडीएफ फाइल, सो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, आपको जो भी मैंने पहले वीडियोस भेजे हैं या फिर आज जो वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर जो भी आप पीडीएफ फाइल से आपने अभी तक वर्क किया है, तो आप मुझसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रही है अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।